किसी ने यार यार रात को सोते हुए किडनी निकाल ली यार मेरी हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरी जर्नी में हमेशा साथ रहते हैं थंबनेल से आपने देखा होगा कि मैंने आईफोन ले लिया है और मुझे बहुत खुशी है खुशी से तो खैर तब थी हुई थी जब पहली बार आईफोन लिया था आईफोन का क्रेज़ होता है एक यूट्यूबर्स के बीच में जब वो ग्रो करता है एक आईफोन का क्रेज़ होता है मुझे लगता है एक फ्लाइट में बैठने का कि जब भी हम यूट्यूबर बन जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम शायद फ्लाइट ही लेते हैं ऐसा मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैंने टाइम पर किया है आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना और एक आईफोन का खैर ये आईफोन अब मेरे आसपास चीज़ सब आईफोन की है बट इसका एक अलग एक्सपीरियंस इसलिए है कि अब तक का सबसे महंगा फ़ोन है ये मेरे पास आईफोन फोन थर्टीन मैक्स प्रो पाँच सौ बारह जी बी का है ये फ़ोन तो आप जो इसके टेक एक्सपर्ट होंगे वो बताएंगे कि सही है नहीं है वो तो अलग मैटर है ये मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं लेके आया तो मैंने लाइक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली बहुत से लोगों ने कहा अरे सर क्या ज़रूरत है इतने महंगे फ़ोन की हम तो पंद्रह हज़ार के फ़ोन से भी वीडियोज़ बना लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं बिल्कुल उन्होंने सही कहा बट मैं थोड़ा सा आपको एक जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ जब आप आगे ग्रो करते हैं तो लाइफ में ना पैसा कमाना और उसको सिर्फ रख लेना यही इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी जो जरूरत की चीज़ हो जो आपकी कुछ लग्जरी चीज़ें हो और जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सके ऐसा नहीं कि मैंने इसे लेते वक्त बहुत सारी आ, डिस इन्वेस्टमेंट्स करी हैं चीज़ें बेची हैं तो जाके लिया है मतलब मैंने कैटरी नहीं बेची अगर आपने वो मेरी स्टोरी अभी छोटी सी देखी क्लिप में वो चीज़ें वो एक कॉन्टेंट को अच्छा बनाने के लिए मैंने किया है मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर मैंने एक फ़ोन ख़रीदा है तो क्या मैं इससे एक अच्छी खासी अर्निंग कर पाऊंगा या नहीं अच्छा इसके पीछे लाइक लेने का लॉजिक ये था कि जो मेरा थोड़ा पुराना फ़ोन था वह तो तकरीबन ढाई साल पुराना हो गया था और उसके कैमरे में बहुत झिलमिलाहट रिंकल्स वगैरह काफ़ी आ रहे थे तो मैंने कहा क्या करूँ क्योंकि मेरे पास एक ज़्यादा समय रहता नहीं है क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ लाइव सेशन्स में रहता हूँ वीडियोज़ बनाता हूँ डिजिटल बोर्ड पर टीम्स मैनेजमेंट करनी है टीम हायरिंग करनी है आप जब टीम हायर करते हो ना आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है बिकॉज आप अच्छे प्लेयर्स ढूंढने पर लग जाते हो जो आप जैसे लोग हो साउंड माइंड लोग हो आप उनके साथ बैठ के हैंग आउट करना चीज़ें करना आपको मजा आए जब इन चीज़ों में आप जुड़ना शुरू कर दें तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन आगे जाके उसका बेनिफिट दिखता है फ्यूचर में अब इस चीज़ों के लिए मैंने देखा यार मुझे रील्स बनानी होती थी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कॉन्टेंट मेरे पास हैं लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि फिर एक कैमरा लो फिर शूट करो फिर उसके सामने एडिटिंग में जाएगा फिर एडिट होगी फिर आपके पास आएगा ड्राइव से डाउनलोड करो फिर उसे अपलोड करो इतना लंबा प्रोसेस मैंने देखा यार आजकल फ़ोनस में इतने अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ होती हैं इसमें सिनेमेटिक वीडियोज़ की क्वालिटी है जो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आईफोन 13 में आप सब जानते होंगे जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं तो मैंने कहा चलो, मैंने अच्छा सा रिव्यू चेक किया जिसमें टेक्निकल गुरु जी टेक बालेक बर्नर एंड बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोस देखी और मैंने कहा चलो यार, थोड़ा सा बैटरी का पंगा रहता है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इसको यूज करता हूं और ये ले लिया जाए ये लेने के बाद आप बिलीव करेंगे मैंने सेकंड डे तकरीबन तकरीबन दस रील शूट कर ली जैकेट चेंज करी बस छत के ऊपर और कंटेंट तो दिमाग में है ही रील्स बनानी आपको पता है एक दस मिनट के यूट्यूबर के लिए तीस सेकंड वाली जो वीडियो होती है थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो वीडियोस बनाने में दिक्कत नहीं होती है मैंने दस वीडियो धड़ाधड़ बढ़ा के ड्राफ्ट में सेव कर ली अब मैंने देखा कि इसे बनाने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ जो मेरे पच्चीस तीस हज़ार महीने मैं कहीं से अर्न कर रहा हूँ कर सकता था वो पहले मेरा छूट रहा था क्या बुरा है फिर यार अगर आप यू आर लाइक स्पेंडिंग 1.5 से भी ज़्यादा आप स्पेंड करते हो और आप मंथली के इतने पैसे बचा ले रहे हो कहीं से अर्न कर पा रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है कर लेनी चाहिए मुझे लगा कि बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट मैंने करी है ये मेरे को लगा जब मैं यूट्यूबर बना ऑब्वियसली यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है आज यूट्यूब की बदौलत में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना पुराना फ़ोन तो वो जो फ़ोन है वो ये फ़ोन है आज तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ बहुत नज़दीक में आके तो आप देख पा रहे हैं कि ये वो फ़ोन है बहुत इसमें अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है सैमसंग का आ, मैं इस फ़ोन की बहुत ही हालत ख़राब है बैटरी वैटरी फूल गई है लेकिन आज से साढ़े छः साल पहले मैंने इसी से शुरुआत करी थी वॉइस ओवर करने की बेहतरीन आवाज़ आती थी इससे बहुत जबरदस्त लाजवाब मैंने इसे वॉइस ओवर में शुरू किया था नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं दुनिया में बहुत सारी चीजें फैक्ट्स बनाया थोड़ी मोटिवेशन शूट करे और मैंने जब ब्लू ए लिया था ना तो मुझे लगता था ब्लू ए से ज्यादा बेटर मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी जब बढ़ती है तो आपको बाद में ही समझ आती है क्योंकि आप शुरुआत में हैविचुअल हो चुके होते हैं इस चीज़ के तो द डे वन एंड द आज ये मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि YouTube की जर्नी में इन दो चीज़ों ने मेरा बहुत साथ दिया और दो इन देंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ हुई मैंने सोचा थोड़ी था कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा और एक टाइम पे ये सब चीज़ें मेरे पास होंगी जो आ, मैं ले, लेते वक्त बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं हूँ क्यों क्योंकि ये सब ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है कि यूट्यूबर के लिए ये टेक्नोलॉजी वीडियोज़ बनाना कैमरे ये सब मेरे एसेट्स हैं जिनसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और जिनसे आ, मेरे लाइक प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ती है और सारी चीज़ें तो ये फ़ोन भी मेरे लिए ज़िंदाबाद है और ये फ़ोन भी अच्छा है क्योंकि ये मेहनत की है और ये फादर साहब ने घर वालों ने दिलाई थी जिससे कुछ काम कर कर के कम करके यहाँ तक पहुँच गए हैं सो so, uh, मेरा सिंपली आपसे कहने का इतना ही मतलब है जितने भी लोग सुन रहे हैं आपको आपको ये नहीं सोचना है कि लाइफ में क्या क्या अचीव हो रहा है इस टाइम चल रहा है आप हमेशा अपने आप को करंट सिचुएशन जज कर लेते हो एक सज्जन हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़े उन्होंने कहा सर मैं महीने के पचास हज़ार रुपये कमाता हूँ लोगों को मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में कैसे बोल पाऊँगा मैंने कहा सर क्या बोल रहे हैं आप दुनिया भारत में बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिसकी फैमिली इनकम पचास हजार रुपए नहीं है एटलीस्ट आप तो सजेशन दे ही सकते हैं और बात रही सजेशन की तो आई एम टेलिंग यू ट्रूथ आप महीने के दस हजार रुपए भी कमा रहे हैं तब भी आपको फाइनेंशियल कॉन्टेंट बना सकते हैं क्योंकि कि जब अरबों खरबों रुपए किसी के पास हो तो शायद वो फाइनेंशियल प्लानिंग करे ना करे उसका चल सकता है लेकिन अगर आप महीने के दस से पंद्रह हज़ार रुपये अर्न कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सही से करनी चाहिए कि कितना पैसा मैं कहाँ कहाँ लगाऊँ ये चीज़ बहुत समझदारी की चीज़ है तो किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है उससे अपने आप को जज मत करिए हम यही करते हैं हम फ्यूचर से हमें जज करना चाहिए कि मैं क्या बना रहा हूँ मैं क्या बनूंगा उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़िए मैं गारंटी दे कहता हूँ कि आप वो चीज़ ज़रूर बनेंगे हाँ लेकिन किसी को देख के इंस्टेंट इन्फ्लुएंस होकर आगे मत बढ़िए मुझे अगर दिखाना ही होता तो मेरे पास आज तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स एप्पल के ही मैं यूज़ करता हूँ शुरुआत वो भी चीज़ों से कर चुका होता लेकिन एक मैसेज मैं गलत लोगों को नहीं देना चाहता कि मैं एक बहुत बढ़िया सी गाड़ी एक रेंटेड पर गाड़ी ले लूँ आज मैं रेंट पर गाड़ी साथ फरारी भी उन कर सकता हूँ रेंटेड पर और दस दिन तक चला सकता हूँ और शायद बहुत उससे से पचासों साठों वीडियोज़ बना के आराम से सो जाऊँ और पचास दिन तक चले जाएगी साल हो गए एक दिन और जो पंद्रहवीं वीडियो हो पचासवीं वीडियो उसमें बोलूँ कि यार मैंने इसको सेल आउट कर दिया जो लोग आज डिजिटल वर्ल्ड में कर रहे हैं और वो अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कही कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे हैं मैं नहीं चाहता मैं आज बहुत खुश हूं कि अपनी स्कूटी पे चल रहा होता हूं कम से कम चिल मैं वो चीज करना चाहता हूं जो मैं था मतलब मैं अपने आप में एकदम एग्जॉस्ट नहीं होना चाहता कि कुछ अलग पहन के कुछ अलग चीज़ों पे मैं जैसा हूँ मैं वैसा खुश हूँ मैं अपने ऑडियंस के साथ जुड़ा हुआ आप लोग छः साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं आगे बढ़ रहे हैं आज चार सालों से हज़ारों स्टूडेंट आप मेरी स्टोरीज इंस्टाग्राम पर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करिए बहुत सारे पर्सनल मिनटॉर्नशिप के लोग आते हैं यहाँ पर हमसे जुड़ते हैं आधे घंटे कॉन्वर्सेशन करते हैं प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ें मैं उनको दिखाता हूँ कि कैसे वो आगे बढ़ पाते हैं वैसे मैं चाहता नहीं हूँ लोग यहाँ आके जुड़े लेकिन कुछ लोग आसपास दिल्ली के हैं तो वो आ जाते हैं कि सर दिल्ली से हूं कम से कम तब तो बुलाइए तो मैंने कहा चलो यार इतना बड़ा जो स्टूडियो ऑफिस बनाया है तो कम से कम आइए सर यूट्यूब कैसे क्रिएट हम वीडियोस बनाते हैं वो देखिए तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए ही करता हूं इस फोन दिखाने का सिर्फ मैसेज इतना था कि एक तो थोड़ा खुश भी हूँ कि जीवन में इतना महंगा फोन लिया है बड़ा अच्छा फोन है क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है पहले इंस्टाग्राम पे बटन दबाता था धीरे से रील स्टार्ट होती थी स्टोरी बनती थी अब बहुत फास्ट है इसकी मशीन बिल्डिंग बहुत अच्छी है अब इसको चलाऊंगा चार पाँच साल है <laughs> ना और दूसरा फोन मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया अभी उसका यस्टरडे बर्थडे था तो मैंने उसको गिफ्ट किया मैंने कहा तुम्हारे लिए आईफोन तो वो भी खुश हम भी खुश और सब खुश बढ़िया और आप सब भी खुश आप सब भी ग्रो करिए जितने भी यंग यूट्यूबर्स हैं जो दो यूट्यूबर बनने 22 आपके लिए बेहतरीन है। कितनी भी मुश्किलें आए छोड़ना नहीं है लगातार बनते रहिए अगर आप 23 में भी लगातार काम कर रहे होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आज आप जिस स्टेज पे होंगे एक साल बाद आप इससे दस गुना बेहतर होंगे यूट्यूब पर गारंटी देता हूं पैसे शायद आप ना कमा रहे हो कोई ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने की आपकी पर्सनैलिटी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपका वे ऑफ प्रेजेंट ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी सो so, लगातार बने रहिए और आगे बढ़िए थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए कुछ आपको इंस्परेशन लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए हमारे और बने रहिए है। पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बैन ऑन करिए क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मैसेज जुड़े हुए हैं लेकिन कहते हैं सर वीडियो बाद में देखी मैं चाहता हूँ आप स्टार्टिंग के एक घंटे में वीडियोस देखें अगर हाँ तो नोटिफिकेशन बैन ऑन करिए आप लोगों के लिए और ज़बरदस्त चीज़ें लाऊंगा सेपरेट इंडिविजुअल पर्सन को डिनोट करके मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में है तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद